सा खुराना है। तेरा आखिरी वक्त आ गया है। सुबह सूरज निकलने तक अगर तूने फॉर्मूला नहीं ढूंढ निकाला तो ये जहर होगा और तेरी मौत। ये मत समझना मजाक कर रहा हूं। जान बचानी है तो लग जा काम पर। चाचा जी, सारी दुनिया में आपके नाम के डंके बज रहे और आप अभी तक ये नक्शे वगैरह फैलाकर बैठे हुए। बेटे, बुढ़ापे क्या भरोसा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नया विज्ञान मेरे साथ ही चला जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप। इसलिए मैंने सारा फॉर्मूला इन पर लिख दिया है ताकि कोई भी साइंटिस्ट इन्हें पढ़कर सूरज की किरणों से बिजली पैदा कर सके। बेटे, इन्हें बहुत संभाल कर रखना है। कल दुनिया की अच्छी बुरी निगाहें इसी फॉर्मूले पर पड़ने वाली हैं। जानो सीनियरे, हम लोग विदेश से आया। ये आपका चिट्ठी। आई एम एंथोनियो। थैंक यू। आप अकेले अंदर आइए। थैंक यू। हमें सूरज से बिजली बनाने का फार्मूला चाहिए किसी भी कीमत पर। लेकिन तुम इतने आदमी साथ लेकर आए हो। ऐसे काम के लिए कभी कभी ज्यादा आदमियों की जरूरत पड़ जाती है। किसी को शक हो गया तो? किसी को शक नहीं होगा। इस वक्त तुम्हारे मुल्क में इंटरनेशनल गोल्फ चैंपियनशिप के मैच हो रहे हैं और हम लोग उसमें हिस्सा लेने का बहाना करके आए हैं।
बात है, आज हमारे हुस्न की तारीफ में शेर नहीं हुआ। क्या हमेशा की तरह हमारे आने से आपके इस वीरान गुलशन में बाहर नहीं आई? ऐसा लगता है आज हमें ही शेर सुनाना होगा आपके हुस्न की तारीफ में। अर्ज करूं, जरूर कोई बात है? ये अजनबी निगाहें, ये बदले हुए तेवर, क्या बात है? आशा, जिंदगी के सफर में कहीं साथ छोड़ गया तो? तो तुम ये सोच रहे थे? मत सोचो, क्योंकि साथ छूट नहीं सकता। फर्ज करो, राह चलते चलते अगर ये पैर किसी और की तरफ मुड़ गए तो ये पैर तोड़ दिए जाएंगे, समझे आप? तो मजाक में दे रही हो आशा, तो छोड़ो। जीवन, क्या हुआ? बात ऐसी आशा कि कह दो तो कहीं नहीं जाती और ना कहो तो विश्वासघात होगा। देखो जीवन, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे साथ विश्वासघात नहीं करना। मैं भी यही सोचता हूँ आशा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहूं तो कैसे कहूं। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी मंजिल तुम्हारे सिवाय कोई और भी हो सकती है, लेकिन कुछ मजबूरी ऐसी आशा कि मैं आज कई दिनों से तुमसे भागा भागा फिर रहा हूं। आशा मैं आशा कैसा बनाया? अरे पगली, अगर मेरे मजाक में ये हालत तो कहीं ये बात सच होती तो क्या होता? अच्छा, तो ये आपका मजाक था? हाँ। छोड़ो मेरा रास्ता। अरे रूठने वाली, ठहर तो जा, हम भी तो पड़े हैं राहों में। पड़े रहो। ए, आज शाम का क्या प्रोग्राम है? मेरा तुम्हारे साथ कोई प्रोग्राम नहीं। मगर मेरा तो तुम्हारे साथ है। सुना है सिम्स पार्क में 200 रंग के गुलाब खिले हैं, देखे जाए? तुम जाके देखो। मैं तो देखूंगा ही, मगर तुम्हारे साथ। 5 बजे मिलोगे नुआ? नहीं। मैं फिर भी इंतजार करूंगा, मिलोगे नुआ? नहीं। मैं फिर भी इंतजार करूंगा, मिलोगे नुआ? नहीं। मैं फिर भी इंतजार करूंगा, मिलोगे नुआ? इससे बिजली इतनी सस्ती हो जाएगी कि पूछिए नहीं। अजी, सस्ते के अलावा गांव-गांव में कितनी आसानी से पहुंच जाएगी? बिल्कुल, इस साल की बिजली के मामले में इस सदी की सबसे बड़ी ईजाद है। हिंदुस्तान के लिए नया दौर आ जाएगा, और ये सब तुम्हारी मेहनत है कैलाश। मेरी नहीं, चाचा जी की। बेशक बेशक पुराना साहब, इस साल का नोबेल प्राइज यकीनन आपको मिलेगा। कैलाश, मुबारक। थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस कैलाश। भाई, हमारी तरफ से भी मुबारकबाद। थैंक यू जीवन। अरे गले मिलकर, भगवान करे इसी तरह से कामयाबी जिंदगी की हर फील्ड में तुम्हारे कदम चूमे, और हर फील्ड से मेरा मतलब है हर फील्ड। यार दोस्तों की दुआएं हो जाए तो बात और है, वरना जिस फील्ड की बात तुम कर रहे हो अपना कोई चांस नहीं। अबे हम जैसे दोस्तों के होते हुए तूने जरा पहले इशारा कर दिया होता तो उसे भी आज यहीं बुला लेता। चल चल, तू फेंकता बहुत है। अबे फेंकता हूँ? तू मेरी खुददारी को चैलेंज करता है? अच्छा, आज शाम के 5 बजे तू क्या कर रहा है? फ्री हूँ, फैक्ट्री में तो छुट्टी कर दी है। वेरी गुड, लेकिन तुझे मालूम भी है कि सिम्स पार्क में कितने रंग के गुलाब खिले? इन गुलाबों से हमें क्या लेना? अबे लेना है ना, ठीक शाम के 5 बजे वहां पहुंच जाना। उन गुलाबों में तुझे एक ऐसा खिला हुआ गुलाब मिलेगा जिससे तुम्हारी जिंदगी भी खिल जाएगी। ऐसा लग रहा है आपको किसी और का इंतजार था। मुझे किसका इंतजार होगा? मैं तो यूं ही आ गई थी टहलते टहलते गुलाब देखने। आप तो ऐसे घबरा के बात कर रही हैं जैसे मैं करता हूँ। अकेले आए हैं?
मैं किसके साथ आऊंगा? जरूर किसी से मिलना होगा। तो आप इंतजार कीजिए उनका, मैं चलती हूँ। देखिए आशा जी, अगर हमारा साथ पसंद नहीं तो साफ कह दीजिए ना, इस तरह बहाना करके मत जाइए। ये बात है तो लीजिए बैठिए। ये धूप कितनी अच्छी है। हाँ सर्दी है ना। आपने कभी सोचा है दिन की इस धूप को अगर समेट कर रख लिया जाए तो रातों को न कभी अंधेरा हो न सर्दी? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, मेरे बिजली घर में यही तो हो रहा है। आप आइए ना किसी दिन देखने। आऊंगी, मैंने बहुत सुना है उसके बारे में। आशा जी, सूरज को देवता मानकर हमने हजारों साल उसकी पूजा की है, लेकिन उसके वरदान को कोई ठीक तरह समझ नहीं सका। चंद ही सालों में आप देखेंगी इस गरीब देश के गांव गांव में, घर घर में, रात रात भर छोटे छोटे सूरज टिमटिमाएंगे, तब ये देश गरीब नहीं रहेगा, बिल्कुल गरीब नहीं रहेगा। कैलाश बाबू, माफ कीजिएगा, मैं भूल ही गया था। आप मुझे इजाजत देंगे? जी, फिर कभी मुलाकात होगी आपसे। क्यों नहीं, आप कभी घर आइए ना। वाह बेटा वाह, हम तो तुझे महाबुद्धू समझते थे, लेकिन तूने पहले ही मुलाकात में वो रंग जमाया कि घर के अपॉइंटमेंट। अरे जीवन, ये सब तुम्हारी मेहरबानी से तो हो रहा है यार। क्या कह रहा है यार, तेरे लिए तो जान हाजिर है, हम तो यारों के यार हैं। तू वाकई यार है। अच्छा ये बता, उसके घर कब पहुंच रहा है?